subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि आपको अवगत हैं, आपको कमेंट किया है कि धर्म यात्रा आध्यात्मिक और ज्ञान अर्जन के लिए हम आपसे रूबरू होते हैं और इसमें समावेश होता है किसी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतों का। आज हम मध्य प्रदेश के सागर संभाग, जो तालाबों की और पोखरों की नगरी कही जाती है, सागर जिले के अंतर्गत राजघाट जो रोड है, जिसे राजघाट रोड कह रहते हैं, कबीर पंथ और कबीर साहब का चौक है, इसके अंतर्गत एक ऐसा ज्ञान ध्यान आध्यात्मिक का केंद्र, जो हम कह सकते हैं मिनी विश्वविद्यालय, जहां पर मानव आता है और मानव आकर भगवान के प्रति अपनी आस्था रखता है और कबीर साहब का जो दर्शन है, जो उनके उद्देश्य हैं, उन दर्शन के प्रति अपनी साधना अपने संस्कारों संदेशों के माध्यम से गुरु सानिध्य में करता है। ललितपुर से बहुत दूर नहीं, लेकिन मात्र 105 किलोमीटर के दायरे में यात्रा कर सकते हैं। तो वहीं जबलपुर से, भोपाल से, सभी जगह से, चारों ओरों से हम पहुँच सकते हैं। सागर का प्रवेश द्वार जो हमारा ख़त्म होता है, प्रवेश शुरू होता है, तो परमात्मा के लिए हम पहुंच जाते हैं इस प्रवेश द्वार से। वह परमात्मा का जो प्रवेश द्वार है, वह है कबीर साहब का दर्शन, उनका दर्शन और उनके अनुयायी जो हमारे साथ आज रूबरू होंगे, उनके उपदेश मिलेंगे शास्त्री जी, और हम उनसे इतना ही जानना चाहेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि सागर का जो परकोटा है, जो विचारों का परकोटा है, उस परकोटे से जो हमारा संकलन है, अंकलन है, वहाँ 300 वर्ष पुराना आश्रम, जहाँ पर देश के, प्रदेश के और अनेक शासक राज्यों के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, अनेक लोगों ने आकर वहाँ माथा टेका और कबीर साहब के विचारों को आत्मसात किया और अपने जीवन की प्रगति को गति देकर अपने जीवन को सार्थक किया। हम आज आपको शास्त्री जी से वार्ता कराएंगे, क्योंकि सागर में जो नया आश्रम बना है, ये लगभग 1 एकड़ के दायरे में है, जहाँ पर प्रवचन हॉल है और चारों ओर कबीर साहब के संदेशों को प्रचारित किया गया है, बताया गया है। तो उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे शास्त्री जी से कि उनकी इस आश्रम के अंतर्गत क्या योजनाएं हैं और किस तरह से उस योजनाओं को साकार देंगे। तो देखिए, पहली बात तो हमारा एक जीवन का आत्मविश्वास बन चुका है कि जब तक पूरी भारतीय मानव समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वर्धन नहीं होगा, तब तक एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवारों का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। इसी दिशा में हम अपने भारतीय संत परंपरा को लेकर के, जिसमें संत परंपरा के अग्रणी और आद्य प्रवर्तक कहना चाहिए सद्गुरु कबीर साहब, यद्यपि मैं सभी संतों को नमन करता हूँ, सबके प्रति सम्मान श्रद्धा मेरी है, लेकिन सद्गुरु कबीर का दर्शन जो है कुछ विशेष हटके है, वो मानवतावादी है, सार्वभौमिक है, क्योंकि कबीर खड़े बाजार में चाहे सब की खैर, वो किसी वर्ग विशेष की खैर नहीं, वो किसी वर्ग विशेष के सद्गुरु नहीं हैं, पूरी मानव जाति के सद्गुरु हैं और उनका संदेश भी इसी प्रकार का है, सार्वभौमिक। इस दिशा में हमारी बहुत सी योजनाएं, बहुत से आयाम हमने बनाए, स्थापित किए हैं, जैसे बच्चों में बाल संस्कार शिविर योजना, उनकी प्रतिभा बढ़ाना, उनको डायरेक्ट साधना से जोड़ना, उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार कुछ योजनाएं प्रतियोगिताएं करते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं, उनको डायरेक्ट सद्गुरु कबीर साहब के मेडिटेशन यानी सहजयोग से जोड़ना और 5 दिन 10 दिन के शिविरों के माध्यम से उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है, फार्म भरे जाते हैं, प्रमाण पत्र दिया जाता है और अंतिम दिवस कलेक्टर या कोई विधायक, मंत्री, मिनिस्टर आते हैं, उनके माध्यम से उनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। यद्यपि हमारे कई राज्यों में आश्रम हैं, 15-20 आश्रम हैं, हमारे मंडला में है, छपारा में है, ललितपुर में अपना आश्रम है और गुजरात में नर्मदा जिला में है और इधर छपारा मुल्ताई क्षेत्र में भी है और नया खेड़ा में है, ऐसे कई जगह आश्रम हैं, छत्तीसगढ़ में 5 आश्रम हैं। मुख्य केंद्र सागर, सागर इसलिए क्योंकि ये सागर पूरे एशिया महाद्वीप का शिखर भारत है,
और भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, और यदि मानचित्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में सागर है। तो यहाँ यातायात की सुविधाएं, विश्वविद्यालय है, रेलवे है, मेडिकल लाइन है, सबके लिए बेहतर है। शिक्षा और चिकित्सा के विषय में हमारा ये है कि हम व्यक्ति को खुद इतना स्वावलंबी बनाएं, जो अधिकांश हम अपने स्वास्थ्य संवर्धन खुद कर सकें और अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूकता हो, इस शिविर में हम लोग समावेश करते हैं। योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, सुबह पानी पीकर उनको अपनी दिनचर्या पानी के द्वारा, पानी के प्रयोग और योग आसन व्यायाम और अपने भोजन आहार विहार में बहुत सी चीज़ों में हम उनको ये बात को नकारा नहीं जा सकता। हमारे भारतीय शास्त्र और संत कहते हैं आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ, यदि जिसका आहार सुधर गया तो विचार भी सुधर जाएगा। तो इसलिए आहार ठीक होना चाहिए तो व्यक्ति का संस्कार अपने आप बढ़ता है। एक तो संगत, एक पंगत, दो यदि व्यक्ति के सुधर जाएं तो निश्चित वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। देखिए, पात्रता का स्वच्छ होना, पात्र का स्वच्छ होना तो स्वच्छता का प्रतीक है, पात्रता का आ जाना माने वो संस्कारों का प्रतीक है। पात्रता यदि आ जाए कोई भी व्यक्ति में तो उसी को अधिकार शोभा उसी को देता है जिसमें पात्रता हो। देखिए, सद्गुरु कबीर साहब का इस पर बहुत स्पष्ट संदेश है कि जीव मत मारो बापूरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूट है चाहे कोटिन सुनो पुराण, मांसाहारी मानुआ प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगति मत करो होए भक्ति में हान। इसलिए मांसाहार किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में उचित नहीं है, कठोरता आती है, निर्दयता आती है, मांसाहार आदि से बहुत समाज में बुराइयां, कुरीतियां, अपराध पनपते हैं। कबीर साहब का संदेश ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्या बेटी को बचाने से समाज वो महान नहीं बनेगा? और नारी जगत के लिए भी हम लोग काम करते हैं, हमारी संस्था द्वारा, हमारी संस्था द्वारा मातृशक्ति के जागरण के लिए ध्यान, योग, साधना उनको भी शामिल किया जाता है। और जो हमारे शिविर लगते हैं, बेटियां एक तरफ बैठती हैं, बेटे लोग एक तरफ, उनको भी बराबरी से प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको भी संस्कार दिया जाता है, साधना से जोड़ा जाता है। वस्तुतः सभी के लिए मतलब उत्तम संस्कार और ज्ञान की ज़रूरत है। भावी योजनाओं में हमारी बहुत सी योजनाएँ हैं और आगामी योजनाओं को भी हमारा विचार चल रहा है, जो अभी लोगों को तक हमने नहीं पहुंचाया है। उनमें से जैसे हमारा पहली योजना थी कि एक इतना भव्य विशाल मंच बने जहां पर हम हर प्रकार से प्रशिक्षण दे सकें, मातृशक्ति को जगह जगा सकें, महिला जगह जगह महिला मंडल स्थापित कर सकें, युवा शक्ति जो आज फिल्मीकरण राजनीति की ओर दौड़ रहे हैं उनके लिए भी हम एक कबीर सैनिक सेवार्थी संघ बनाएँ। कबीर सेवक सेना सेवार्थी संघ का मतलब कोई मिलिट्री नहीं है, बल्कि समाज में कुरीतियों से लड़ने के लिए एक धार्मिक मिलिट्री है, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। तो एक युवा शक्ति के लिए हमने एक कबीर सैनिक सेवार्थी संघ बनाया है। नई पीढ़ी के संस्कार के जागरण के लिए हमने गुरुकुल शिविर योजना संस्कार का सिंचन किया है, जो हमारी लगभग 31 साल से चल रही है और हमें काफ़ी सफलता है। राजनीति में धर्म का प्रवेश अनिवार्य है कि धर्म में राजनीति का? धर्म में राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म की आवश्यकता है। क्या कारण? यदि हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले नेता लोग धर्मनिष्ठ होंगे तो निश्चित वो महाराजा विक्रमादित्य की तरह, महाराजा हरिश्चंद्र की तरह, गांधी की तरह समाज को अच्छी दिशा दे सकेंगे। और यदि धर्म से वंचित होंगे तो वो औरंगजेब की तरह और जो माने अयोग्य शासक की तरह शासन चलाएंगे। तो इसलिए धर्म में राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म की नितांत आवश्यक। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सागर संभाग से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।